प्यारे बच्चों, ये उन दिनों की कहानी है जब समंदरों में बादबानी जहाज चला करते थे। एक बादबानी जहाज मुसाफिरों को लेकर इंग्लिस्तान की बंदरगाह से अफ्रीका की तरफ जा रहा था। समंदर में कोई तूफान नहीं था। नीले पानी की लहरें जहाज से टकराकर पीछे चली जाती थी। जहाज के बादबान हवा से फूले हुए थे। वो बड़े आराम से अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहा था। समंदर में जहाज ने आधे से ज्यादा रास्ता तय कर लिया था। अगले दिन वो अफ्रीका के साहिल पर पहुंचने वाला था। जहाज के मुसाफिर बड़े खुश थे। वो अपना अपना सामान ठीक कर रहे थे और आपस में हंसी मजाक की बातें भी कर रहे थे। जहाज का कप्तान लंबी दूरबीन से समंदर को देख रहा था। आसमान साफ था और समंदर खामोश था। कप्तान बड़ा मुतमईन था कि कल जहाज अपनी बंदरगाह पर पहुंच जाएगा। लेकिन तबाही इस जहाज का इंतजार कर रही थी। जहाज जिस रास्ते पर जा रहा था वो इंग्लिस्तान और अफ्रीका के दरमियान सबसे छोटा समंदरी रास्ता था। इस रास्ते पर सफर करके जहाज थोड़े वक्त में अपनी मंजिल पर पहुंच जाते थे। यहाँ एक जगह बहुत बड़ी चट्टान समंदर के नीचे छुपी हुई थी। ये खतरनाक चट्टान ऊपर से दिखाई नहीं देती थी। ऊपर समंदर की लहरें थी। कप्तान को इस छुपी हुई चट्टान की कोई खबर न थी। जहाज बड़े आराम से आगे बढ़ रहा था कि अचानक समंदर में छुपी हुई चट्टान के साथ एक जबरदस्त धमाके से टकरा गया। चट्टान की नोक जहाज के पेड़े में घुस गई। चट्टान से टकरा कर जहाज दो टुकड़ों में तकसीम हो गया और जल्द ही पानी में डूब गया। हर तरफ कोहराम मचा हुआ था। कई मुसाफिर डूब गए। सिर्फ थोड़े से मुसाफिर लकड़ी के तख्तों पर बैठकर जान बचा सके। ये लोग कई दिन तक समंदर में भटकने के बाद साहिल पर पहुंचे। प्यारे बच्चों, इन मुसाफिरों में एक नेक दिल सौदागर भी था। उसके दिल पर जहाज की तबाही का बड़ा असर हुआ। वो दिन रात यही सोचता रहता कि जहाजों के मुसाफिरों की जाने समंदर में छुपी हुई चट्टान से कैसे बचाई जा सकती है। आखिर एक ख्याल उसके दिमाग में आ गया। उसने सोचा कि अगर समंदरी चट्टान की चोटी पर कोई ऐसी चीज लगा दी जाए जो दूर ही से जहाज के कप्तान को खबरदार कर दे तो हजारों इंसानों की जाने बच सकती है। मगर वो क्या चीज हो सकती है? वो अपने अनोखे ख्याल पर खुशी से उछल पड़ा। सौदागर ने बड़ी मेहनत से कांसे की एक बहुत बड़ी घंटी तैयार की। मजदूरों को साथ लिया और कश्ती में सवार होकर समंदर में उस जगह पहुंच गया जहां पानी के नीचे चट्टान छुपी हुई थी। आखिर वो चट्टान पर घंटी लगाने में कामयाब हो गया। समंदर की लहरें जब घंटी के अंदर लगे हुए लोहे के कुंडे को हिलाती तो वो जोर से घंटी की दीवार से टकराता, जिससे घंटी की टन टन की आवाज दूर दूर तक समंदर में गूंजने लगती। समंदर में आते जाते जहाज घंटी की आवाज सुनकर खबरदार हो जाते और खतरनाक चट्टान से बचकर निकल जाते। एक दफा का जिक्र है कि एक समंदरी डाकू अपने जहाज में उस तरफ से घुसरा। उसके साथ और भी कई डाकू थे और वो उनका सरदार था। उसने जब चट्टान पर लगी हुई कांसे की बहुत बड़ी घंटी बजती देखी तो अपने साथियों को हुक्म दिया, इस घंटी को यहाँ से उखाड़ कर मेरे जहाज पर लगा दो। मुझे इसकी आवाज बड़ी अच्छी लगती है। समंदरी डाकू के साथियों ने उसी वक्त घंटी को चट्टान पर से उखाड़ा और अपने जहाज पर ले गए। घंटी को जहाज पर लगा दिया गया। जहाज समंदरी लहरों पर डोलता तो घंटी बजने लगती। उसकी आवाज सुनकर समंदरी डाकू खुशी से तालियां बजाते। डाकुओं का सरदार बड़ा खुश था। अब उसके जहाज का नाम घंटी वाला जहाज पड़ गया। समंदर के नीचे छुपी हुई चट्टान अब दोबारा खतरनाक हो गई, क्योंकि अब वो खतरे की घंटी से खाली हो गई थी। अब उधर से गुजरने वाला कोई भी जहाज
उस चट्टान से टकराकर तबाह हो सकता था। वक्त गुजरता गया और डाकू खुले समंदर में मुसाफरों के जहाजों पर डाके डालते और लूट मार करते रहे। एक बार क्या हुआ कि समुद्री डाकुओं का जहाज लूट मार करते करते रास्ता भूल गया। अचानक समंदर में तूफान आ गया, तेज हवाएं चलने लगी, समंदरी लहरें डाकुओं के जहाज को लेकर कहीं से कहीं निकल गईं। कांसे की घंटी जहाज पर जोर जोर से बज रही थी। डाकुओं का सरदार परेशान था, उसके दिल पर पानी के अंदर छुपे हुए चट्टान का खौफ छाने लगा, लेकिन तीर कमान से निकल चुका था। समंदरी डाकुओं ने चट्टान से घंटी उतार कर अपने आप को खतरे में डाल दिया था। तूफानी लहरों ने जहाज को कहीं से कहीं ला फेंका। डाकुओं में से किसी को खबर ना थी कि उनका जहाज समंदर में छुपी हुई चट्टान की तरफ बढ़ रहा है। बिलाखिर वही हुआ, समंदरी डाकुओं का जहाज एक खौफनाक धमाके के साथ समंदर में छुपी हुई चट्टान से टकराया। टुकड़े हो गया, जहाज के टुकड़े समंदर पर फैल गए और सारे डाकू डूब कर हलाक हो गए। डाकुओं का सरदार डूब रहा था और कह रहा था, अगर मैं इस चट्टान पर से घंटी ना उतारता तो आज मेरा जहाज तबाह होने से बच जाता। ये खबर उस नेक दिल सौदागर तक पहुंची तो उसने कांसे की दूसरी घंटी बनवा कर समंदरी चट्टान पर लगा दी। ये घंटी आज भी लगी हुई है और समंदर की लहरें उसे बजाती रहती हैं। घंटी की आवाज सुनकर मुसाफिरों के जहाज खतरे से बचकर निकल जाते हैं और घंटी लगाने वाले नेक दिल सौदागर को दुआएं देते हैं।